Hey guys, so today we will start HTML. HTML tag क्या होता है? First of all हम देखने वाले हैं HTML के बारे में. अब HTML tag क्या है? एक simple document tag है जहाँ से हम website बना सकते हैं. और website की शुरुआत कहाँ से होती है? तो HTML tag से start करते हैं. कोई भी हम HTML में web page बनाते हैं तो सबसे पहले HTML लिखते हैं, उसको close करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी tag start करते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज टैग इन HTML. HTML टैग इट इज द रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द डॉक्यूमेंट इज HTML. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के पेज को स्पेसिफाई करता है. वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML टैग का ज्यादातर यूज होता है. यानी कि टैग वेब पेज को हाइड कीवर्ड जो बोलते हैं, हाइड कीवर्ड की तरह होता है. और ये HTML टैग एक बार स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर देन और लेस देन से, उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. और HTML क्या है? तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये उसका फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो अगर कहीं एग्जाम में या कहीं और भी आपको पूछा जाए कि HTML क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यही बोलना है HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, और ये क्या करता है? हमें वेब पेजेस बनाने के लिए और वेब डिजाइनिंग के लिए हमें ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है. कोई भी आप लैंग्वेज आप ले लीजिए, तो सबसे पहले आपको HTML टैग से ही स्टार्ट करना होता है. एंड HTML टैग इज अ पीस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ HTML एलिमेंट इज इन अ HTML डॉक्यूमेंट. ये एक शांत मतलब कि स्टार्टिंग कोड है. ये मार्कअप लैंग्वेज जो क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज है. HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक रूट टैग है जो HTML मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करता है. ठीक है, देन सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स क्या है? तो HTML यहाँ पे हमें करना है लेस देन, उसके अंदर HTML, देन ग्रेटर देन से हम कंप्लीट करते हैं. देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आते हैं हेड टैग आता है, टाइटल हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो HTML के बाद हम HTML टैग को क्लोज भी करना पड़ता है. तो ये जो स्लैश है इससे हम इसको क्लोज कर देते हैं. तो जब तक आप इसको आप क्लोज नहीं करोगे तब तक वेब पेज रन नहीं होगा, आपको एरर इंडिकेट करेगा. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा HTML टैग के बारे में. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.